भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 545 नंबरों पर लिखा है। जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं AIMI ऑल इंडिया मजलिस तदुमुस्लिमीन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाहिद जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज 25,000 से लेकर 30,000 विद्यार्थी आज हैदराबाद के अंदर फ्री पढ़ रहे हैं। वहां मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां बच्चे एडमिशन लेते हैं। आज इस देश के अंदर शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया। उस व्यवसाय के तौर पे आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बड़े गर्व की बात है एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए और आपके लिए और मीडिया कर्मियों के लिए कि एक वाई सिंगल नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश की एजुकेशन पे फोकस करके 30,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है। हम आपसे वादा करते हैं, मेरी पार्टी के अध्यक्ष जमील खान साहब और एक और कमेटी, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह राजस्थान के अंदर जिस दिन हमारी वही 5 से 10 सीटें हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह श्योर हम 40 से 50 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि चूंकि हमारा पहला चुनाव है, संगठन हमारा उतना मजबूत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी 1980s के दौर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कैडर था ये आपको पता है, मुझे पता है, मात्र 2 सीटों के साथ आई थी। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए या राजस्थान सरकार को ले लीजिए, जब बात की जाती है मुद्दों की, माननीय अशोक गहलोत बात कर रहे हैं रोजगार की, एक रिट जैसे एग्जाम को पिछले 4 साल में कंडक्ट नहीं कर पाए, आज RPSC अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है, यहाँ की काबीना मंत्री हमारी बड़ी बहन है जाहिदा, उनकी क्या जिम्मेदारी है कामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या यहाँ के लोकल मुद्दे उठ रहे हैं क्या? जवाब आएगा नहीं। आज अगर कोई अन्य पार्टी, किसी प्रकार के अन्य पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, हमारी ऑल इंडिया मजलिस तदुमुस्लिमीन पार्टी हो सकती है, थर्ड फ्रंट के तौर पे जो भी है, एक जनता की उम्मीद टिकी हुई है कि लोगों के ऊपर की एक तीसरा फ्रंट आए। आज राजस्थान तो पिछले 25 साल से कुटाघरा दर्द झेल रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, क्या हमारी पॉलिसी और नीति में कोई परिवर्तन आया? जवाब आएगा नो। 5 साल कांग्रेस वाले करती है, उनको पूरा नहीं करती है। कांग्रेस को पता है कि मैंने अपना पूरा कोटा कर लिया, उसके बाद 5 साल बाद जेल रिपीट होती है। जनता जिस तरह पिस रही है, आप और स्टेट्स में जाके देखिए, आज पश्चिम बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, पहले वहां कांग्रेस थी उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, तो आज आई है, उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी 25 साल तक राज रहा। जहां जहां नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, यूपी में देख लीजिए सपा बसपा, वहां लोगों की इन जो पार्टियां जिन्होंने अपनी बापोती समझ रखा है कि लोकतंत्र हमारी बापोती है, एक्चुअली में लोकतंत्र किसी की बापोती नहीं होती है। आज इस देश का नागरिक, प्रत्येक नागरिक उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और मैं तो कह रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वी आर द टैक्स पेयर। आज कामा की जनता है, आज मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं, कई लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी की बात आपकी पार्टी करती है, नहीं जरा हमारी पार्टी 36 बरादरी की बात करती है। माइनॉरिटी की बात करने वाला इस देश के अंदर आजादी के बाद से अब तक कोई नहीं है। माइनॉरिटी को सिर्फ ये लोग एक मान के चलिए एक डबल डोज है। मैं आपको बताता हूँ भला साहब मेरे एडमिशन में क्या काम है। 98 के घोषणा पत्र में वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्टैंड था कि मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करेंगे। आज तक पिछले 2 साल से आंदोलन हो रहे हैं। सही स्मारक पे आप देखिए, लोग 4-4 महीने आंदोलन किया, आज तक उसका रिजल्ट नहीं है। मैं बात करता हूँ संविदा कर्मियों की, विद्यार्थी मित्रों की, क्या काम हो रहा है। एक बार हम कह रहे हैं, कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता से कह रहे हैं कि एक बार अपने मौका देके देखिए, हम असेंबली के अंदर आपकी आवाज को उठाकर सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, और एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा, कोई चीज हो, मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी का इतिहास आप देखिए, क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी लोग हैं, और जब तक इस नेतृत्व में क्रांतिकारी लोग नहीं आएंगे दोस्त, परिवर्तन नहीं होना है। मैं मानता हूं मीडिया की कोई गलती नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके सामने कोई भी पार्टी की प्रेजेंट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपकी जिम्मेदारी है उसको सुनना, उनके सवाल, उनसे सवाल करना, वो आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बताइए आपकी जो समस्या में एज ए पार्टी प्रबंधन, बताइए। दो बार तेजस्वी हुसैन जी विधायक रहे, ठीक है, ठीक है, दो बार श्रीमान अपनी जाहिदा जी विधायक, उससे पूर्व वो हरियाणा और पंजाब में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। उन्होंने नूह में दिल्ली कॉलेज खुलवा और यहाँ के बच्चों को एडमिशन दिलवाए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए, लेकिन अब इस समय आबादी को देख लो, माइनॉरिटी को देख लो, उस हिसाब से काम करने की जरूरत आज बेहतरीन बात है। मैं आपकी बात सहमत, एक डिग्री कॉलेज बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी बनती है,
लेकिन मुझे आज बताइए कि आज इस ये बात आप जो डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं काफी पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, आज के समय हमारी बड़ी बहन जाहिदा जी की क्या जिम्मेदारी है। मैं माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र में सब समान है, माइनॉरिटी मेजोरिटी सेम है, हम अपने वोट का प्रयोग करते हैं सरकार को चुनते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है उन सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारी क्या है। आज पिछले चार साल के अंदर जाहिदा जी ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि मैं मीडिया का स्टूडेंट भी रहा हूँ और बेसिकली मैं टच रहता हूँ न्यूज पेपर से और लोकल मुद्दों से। मुझे आप बताइए कि जाहिदा जी किस क्षेत्र में क्या काम कर रही है, क्या काम यही नहीं है। मैंने क्या काम, जब आप किसी व्यक्ति को शिक्षित कर दोगे, शिक्षा प्रदान कर दोगे, तो उसकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। एक शिक्षित व्यक्ति अपना जीवन कैसे भी सुधार सकता है, चला सकता है, लेकिन जब मैं मेरे किसी गरीब भाई की तरफ देखता हूँ जो अनपढ़ है बेचारा, उसके पास मौका नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि लोकतंत्र में उस गरीब को वही अधिकार है, उस आपको भी वही अधिकार है, मेरे को वही अधिकार है। जब हम लोगों को जब मौलिक अधिकार हमारे में दिए गए, उन मौलिक अधिकारों के एड्रेस पे हम लोग जब टैक्स पे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को निर्वहन कर रहे हैं, जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो सरकार एक सिरे से क्यों नकार देती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मीडिया के सामने, तो मेरा राइट है, आप समझना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30, उस आर्टिकल को गवर्नमेंट अपोज कर रही है। गवर्नमेंट उस आर्टिकल पे कहां काम कर रही है, मैं मीडिया के भाइयों से पूछ रहा हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मुझे बताइए कहां काम कर रहा है। आज मैंने कहा जो भी देश का गरीब तबका, पिछड़ा तबका, जिसके अंदर हम लोग दलित, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, भील, आदिवासी, माइनॉरिटी, या जो 36 बिरादरी के कोई भी गरीब हो, गरीब की कोई परिभाषा नहीं, उन लोगों के लिए काम क्या कर रही है सरकार। जब हमारे पास हम आकलन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सब काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ घोषणाएं हो रही है। ये बात तो सही है, जो कांग्रेस सरकार है उसने अंधेरी की है। ये बात बिल्कुल अच्छा, उसी अनदेखी की नहीं, उसी अनदेखी के अवज में आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मैं आपसे सवाल करूं, 47 के अंदर इस देश के मुसलमान के पास बिल्कुल सीधा ऑप्शन था कि वो सेकुलर पार्टी को समर्थन करे या मुस्लिम लीग को, तो इस देश के मुसलमान ने हमेशा ये चीज कोशिश करी कि कहीं मेरा मेजोरिटी का हिंदू भाई मुझसे नाराज ना हो, उनको नहीं लगे कि इस देश का मुसलमान कोई अलग चीज चाहता है। उसने कांग्रेस को सेकुलर पार्टी मान के समर्थन किया, 55 साल रूल किया कांग्रेस ने। मुझे बताइए आप, प्रधानमंत्री 14 सूत्री कार्यक्रम पर कहां काम हुआ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने बनाई, रघुनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, कांग्रेस की तो बदनीयति 2004 में यूपीए फर्स्ट, 2009 में यूपीए सेकंड, एक भी चीज हमारे नेताओं ने, इन सेकुलर पार्टी के नेताओं ने, चाहे नाम जाहिदा हो, चाहे नाम वाजिद अली हो, चाहे नाम फातिम अली हो, चाहे नाम रफीक खान हो, चाहे अमीन कागजी हो, ये नेता चुनाव लड़ने से पहले अपनी कौम के लोग हैं, आप समझ लो। चुनाव जीतने के बाद ये कांग्रेसी, बसपा, सपा, भाजपा के बन जाते हैं। क्या ये जनता जो कामानी है विधानसभा की, मैंने पहले भी कहा हमारा कोई फंडा नहीं है जाति पाति का, कोई हमारे न हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से एक चीज बता दीजिए, हमेशा कहते हैं कि देश के संविधान में जो लिखा है मेरे लिए वो सर्वोपरि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सच्चा नमन, जो उन्होंने इतने इस देश का इतना सुंदर संविधान बनाया और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज उठा रहा है, मैं गांव के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आवाज उठाने के लिए ओवैसी, हर मुद्दे पे ओवैसी, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे शरिया का मामला हो, चाहे किसी भी तरह कोई बात क्यों ना हो, आपकी आवाज ओवैसी, वोट के समय कांग्रेसी, भाई ये दोगलापन क्यों, भाई वोट के समय भी ओवैसी होना चाहिए ना। जब आप लोकतंत्र में उसको मजबूत करोगे तो आपके अपने आप मजबूत हो जाओगे, आप मजबूत नहीं करोगे तो मेरे मीडिया के भाई इसी तरह सवाल करते रहेंगे।